अमड़ा का अचार बना रहे हैं। ये अमड़ा है, तो ये अमड़ा अभी ये मुलायम है, अभी ये पूरी तरह से पका नहीं है, पकने से पहले जो रहता है उसी का अचार अच्छा बेहतर बनता है। तो सबसे पहले अमड़ा को हम काट लेंगे इस तरह से, इसका दो टुकड़ा कर सकते हैं या फिर चार टुकड़ा भी कर सकते हैं। ये छोटा साइज का है इसलिए इसे दो टुकड़ा ही करते हैं। दो टुकड़ा करके सारा को रख लेते हैं। अब इसमें एक चम्मच हल्दी मिलाएंगे, एक चम्मच हल्दी इसमें मिलाएंगे और नमक मिलाएंगे। नमक एक किलो अगर अमड़ा है तो उसमें 200 ग्राम नमक मिलाना है, इतना नमक इसमें डाल देंगे, इतना नमक इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसे मिलाकर ये शीशे के जार में सारे को डाल देंगे। अब सारा को जार में डाल दिए हैं, अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसे जो 24 घंटे के लिए आराम करने देंगे। ये 24 घंटा धूप में आराम करेगा। ये अमड़ा है जो 48 घंटा धूप में आराम कर चुका है, अब इसे खोलते हैं और ये देखिए इसे निकाल लेते हैं। इसे निकाल लेंगे, इसे निकाल लिए ये सारा को, और अब इसे इसका पानी को फेंक देना है। इसे पहले मिला लेंगे और नीचे देखिए, नीचे एक स्टैंड रख दिए हैं और ये जालीदार थाली है, इसमें इसको निकाल देंगे पहले सारा अमड़ा को। ये अमड़ा को निकाल दिया गया है, अब ये 12 घंटा आराम करेगा इसी तरह, ताकि इसमें जो पानी है वो नीचे आ जाएगा और उसके बाद इसमें मसाला मिलाने का प्रक्रिया शुरू करेंगे। हमारा ये 12 घंटा आराम कर चुका, अब इसमें हम मसाला मिलाने का प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे, अब इसमें हम मसाला सभी मसाला डालते हैं। एक चम्मच सौंफ डालते हैं, धनिया दो चम्मच डालते हैं, फिर ये जीरा पाउडर है, जीरा पाउडर डालते हैं दो चम्मच, ये अजवाइन है थोड़ा डालते हैं, ये मंगरैला है, ये मेथी पाउडर है और ये लाल मिर्च है। आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालना है, कम पसंद करते हैं तो कम डालना है। और ये सरसों पाउडर है, ये काली मिर्च है और ये हल्दी है। अब ये सारा को मिलाएंगे और देखेंगे कि और मसाले का जरूरत है अथवा नहीं, मिलाकर अंदाज हो जाएगा कि और जरूरत है कि नहीं। देखिए इसमें थोड़ा और मसाले का जरूरत है, तो थोड़ा थोड़ा सभी आइटम डाल देंगे। जरूरत के अनुसार हो गया इसमें मसाला। अब इसमें हम तेल डालेंगे, इसमें अब हम तेल डालते हैं। तेल अंदाज से डालेंगे, इतना डालेंगे तेल कि अच्छी तरह ये अचार मिक्स हो जाए। और इसे मिला देंगे, अब ये मिक्स हो गया है अच्छी तरह से। अब इसे कांच के जार में डाल देंगे, ये कांच के जार में इसे अब रख देंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया, देखिए तेल इतना मात्रा में दिया गया है
कि पूरी तरह मसाला इसमें घुल गया है। अब इसे कांच के जार में रख देंगे। अब इसे शीशे के जार में रख दिया गया है। अभी इसके मुंह पर एक कपड़े बांध देंगे और सूती कपड़ा, और उसके बाद 4 दिन धूप में ये आराम करेगा और 2 दिन छाया में। इस तरह 6 दिन के बाद ये खाने लायक 7वें दिन से हो जाएगा। ये हमारा अमड़ा 4 दिन धूप में आराम कर चुका था, इसको हम निकाल लिए हैं। देखिए कितना अच्छा ये हमारा अमड़ा का अचार तैयार हो गया है। ये एक नंबर खाने लायक तैयार हो गया है, पूरा सॉफ्ट हो गया है, ये तैयार हो गया है। इसका पहचान ये है कि देखिए ऐसे कट किए तो ये कट गया, यानी कि ये पूरी तरह तैयार हो गया है। अब इसे मिला दिए हैं मसाला को। असल में नीचे में तेल रहता है, ऊपर में थोड़ा कम रहता है, तो इस तरह से मिलाकर पुनः रख देने से ज़्यादा अच्छा रहता है। जिसमें तेल थोड़ा कम था उसमें भी तेल लग गया। अब इसे मिलाकर और रख देंगे और खाने लायक ही हो गया। अब इसे खा सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि हर अपडेट मिलते रहे, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका अचार कैसा बना।